So the question is, the following bank reconciliation statement has been prepared by a business. ये bank reconciliation statement बनी हुई है, ठीक है? April 30, 2018 को बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. अब देखो उसने हरकतें क्या की हैं. ये मैं इसको पहले नोटबुक पे लेकर आऊँगा, आपको फिर वहाँ इसकी बात बताता हूँ कि इसने क्या हरकत की हुई है. ओके, कह रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होता है, ये हमें मालूम है. ओके, उसने कहा भी हुआ है. आउटस्टैंडिंग चेक्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहते हैं. अब ये बात ये जहन में रखें कि जो उसने काम किया, मैं इस वक्त उसके काम को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा. हम अपना देखेंगे कि हमने क्या करना है. ओके, अच्छा बेटे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ आ रही कि आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो क्या है. यहाँ पर एक टिप ले लो, आप दूसरी बात पढ़ें, वो क्या है अनक्लियर चेक्स की. आपको अनक्लियर चेक्स पता है ना, जब अनक्लियर चेक्स पता है तो इसका मतलब है कि दूसरे आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड होंगे. इन अ वे जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि चेक्स अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड, ये दो कैटेगरीज हैं. अनक्लियर्ड क्या है, आपने डिपॉजिट करवाए लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए. और अनप्रेजेंटेड क्या है, आपने बैंक से पैसे निकलवाने के लिए चेक इशू किए लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए बैंक में कमी नहीं हुई. ठीक है, बस ये दो जहन में रखना. और इन में से किसी एक के बारे में अगर आपको टिप मिल जाती है अनक्लियर के, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि जी अनक्लियर क्या है, तो अनप्रेजेंटेड मीन्स आउटस्टैंडिंग मीन्स अनप्रेजेंटेड. क्या बेटे बोलो सर, दोबारा रिपीट करते हैं, ये अनक्लियर चेक्स और ये आउटस्टैंडिंग चेक्स. अच्छा, आप मुझे बताओ. चलो सबसे पहले बेटे आप बताओ, आपको अनक्लियर चेक के बारे में क्या पता है, थोड़ा सा मुझे बताओ जरा. एक्चुअली सर, मैंने कल मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने अभी तक के प्रीवियस कुछ भी नहीं पढ़ा. अच्छा बेटे, अब ऐसा है कि मैं मुख्तसरन बात सिर्फ आपको बताऊंगा, उसके बाद आप की फर्दर जो डिटेल्ड कुछ थोड़ी सी आपकी ग्रूमिंग रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग के लेक्चर्स में, वो आप मुझे ऐसा कीजिएगा कि वहाब को मैं कहूँगा आपके बारे में, हमारे जो टीए हैं वो आपको कुछ थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और फिर मैं आपको कुछ थोड़ा सा फर्दर गाइड कर दूंगा ताकि क्लास के बराबर आप चलें. ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको एक मुख्तसर सा टॉपिक बैंक रिकंसलेशन का जो चल रहा है उसका मुख्तसर सा तारफ दूंगा कि बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट में ये होता है, जो बैलेंस हमारा बैंक स्टेटमेंट का होता है उसको हमारी अपनी बुक्स में जो बैंक का अकाउंट बनाया जा रहा होता है उसके बराबर लेकर आना होता है. तो थोड़ा सा आप बैंक को अगर जहन में लेकर आएँ, बैंक के बारे में ये बात आपको मालूम है कि हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और बैंक से पैसे निकलवाते हैं. तो जो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं वो चेक जो हैं क्लियर होंगे तो बैंक के पैसे बैंक में जमा होंगे, और जो बैंक से पैसे निकलवाते हैं वो चेक अगर बैंक में प्रेजेंट होंगे तो बैंक से पैसे निकलेंगे. अब ये अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड का मतलब ये है कि बैंक में पैसे या चेक जो जमा करवाए थे वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए, और अनप्रेजेंटेड का मतलब ये है कि जो बैंक से पैसे निकलवाए थे चेक के ज़रिए से वो अभी चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए. तो बैंक वाला तो कहेगा ना कि जी मैंने अभी आपके अकाउंट में पैसे माइनस नहीं किए, तो ये वो फ़र्क है. फर्दर बेटे मैं आपको कुछ थोड़ा सा गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने ये अकाउंटिंग लर्न करनी है, पीछे जो गैप आ गया इंशाल्लाह. वेल ओके सर,
अच्छा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग चेक डेबिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जब प्रेजेंट होंगे तो बैंक उसे डेबिट करेगा। अनक्लियर लॉजमेंट्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स क्रेडिट होना चाहिए। अब जब ये सिचुएशन है तो बेटे उठाओ कैलकुलेटर, टिक टिक करो, 45,200 + 13,100 क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, -11,500 तो 46,800 आया बेटे मेरे पास, 43,600 तो उसने बनाया हुआ है ना, ये तो उसने बनाया हुआ। मेरे पास आया है बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस 46,800, ठीक है, सबके पास ये है। डबल चेक करता कोई बच्चा? तो अगर ये 46,800 बैंक का क्रेडिट है तो मेरा कैश बुक का डेबिट होगा 46,800, तो मेरा कैश बुक का डेबिट मींस यहाँ पर बैलेंस जो है एज पर कैश बुक सी करेक्ट है, ठीक है बेटे, सबको समझ आ गई? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस, जी बेटे डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, हमारे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है तो होता है ना बेटे, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ 5,000 पेबल टू बैंक, पेबल टू बिजनेस बाय द बैंक, नहीं, बाय द बैंक का मतलब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ओके, डेबिट बैलेंस 5,000 बैंक स्टेटमेंट, पहले तो अपने जेहन में ले आओ कि ये एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बाकी सारी ऑप्शंस पढ़ने से पहले डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक ने हमें कर्जा दिया हुआ है, बैंक ने हमें कर्जा दिया का मतलब है कि बैंक ने हमें पैसे, हमसे पैसे लेने हैं ये वाले, तो ये वाला बी तो नहीं हो सकता, सॉरी ए नहीं हो सकता। बी क्या कहता है, रुपीज 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द, यस बैंक ने हमसे पैसे लेने हैं, ओके, तो ये बी इसका करेक्ट है। 5,000 डिपॉजिटेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द मंथ, ये भी नहीं है। 5,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय बिजनेस, क्योंकि बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस का मतलब ये फिर बी ही होगा। इस पर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा। ओके है, वेल उसके बाद यार भाग के कहाँ चला जाता है यार। अच्छा किधर थे, वेरी वेल, क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ट्रेनी, ओके जी, इसको अब हम उधर इंपोर्ट करते हैं और फिर समझते हैं। लो भाई ये मुझे आप ज़रा सॉल्व करवाओ। फॉलोइंग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रेनी, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, बताओ क्या होगा, डेबिट। अच्छा सकलैन आपने डेबिट क्रेडिट बोलना बेटा इसका, ओवरड्राफ्ट एज, और बाकी स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है सकलैन इस वक्त, ओके, आर यू देयर सकलैन? Yes, sir. Okay. Outstanding yes, check. Sir. मैंने क्या बताया outstanding check क्या होते हैं? Outstanding check sir जो हमने
विड्रॉ करवाई हैं पैसे, लेकिन वो भी रिप्रेजेंट। शाबाश, अनप्रेजेंटेड, एक्सीलेंट बेटे। उसके बाद डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर डेट। अब उसने देखो ना कहानी कहाँ से जोड़ दी है, डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर डेट, तो अनक्रेडिटेड चेक्स हुए ना बेटे। ओके, अनक्रेडिटेड चेक्स इसको हम ये बैंक क्रेडिट करेगा, क्रेडिट इफेक्ट देंगे। ओके, ये दरमियान में इसने क्या किया 3480, ये उसने मेरे ख्याल से इसका टोटल किया या क्या किया, समझ नहीं आई क्या किया। अच्छा चले, इसके साथ उसने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। एनीवेज, तो हमारे आउटस्टैंडिंग चेक जो हैं, अच्छा उसने वो माइनस करके लिखे हैं ना। ओके वेल, उसने आंसर निकाला। अब 6980 और डेबिट 10460 हमारे पास आता है जी 17। मैं भी उसी स्टाइल में करता हूँ, पहले इसका आंसर लेते हैं। 17440 डेबिट आया, उसमें इस क्रेडिट को माइनस करेंगे, माइनस 11800, तो हमारे पास डेबिट 5640। ये डेबिट किसका आया, बैंक स्टेटमेंट का। ओके, और हम इसे क्या कहेंगे, एज पर कैश बुक ये क्या है, क्रेडिट 5640 ओवरड्राफ्ट। ठीक है, हमें कह रहा है कि इसको करेक्ट करें, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट 5640। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है इसकी करेक्ट। ठीक है जी बेटे, एनी क्वेश्चंस। ओवरड्राफ्ट को डेबिट बेटे, बेटे बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक ने हमसे ये पैसे लेने हैं, बैंक की बुक्स में ये उसने हमें उधार दिया हुआ है, तो बैंक की बुक्स में ये रिसीवेबल होगा ना, इसलिए इसको डेबिट किया। क्लियर है? ठीक है बेटे, चेक्स आउटस्टैंडिंग का मतलब जो है ये एक किस्म का प्यून लीजिए कि ये अनप्रेजेंटेड चेक के तौर पर ले रहा है। मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा मज़ीद एक बात को एक्सप्लेन करता हूँ बेटे। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब है समथिंग दैट हैज़ नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। अगर वो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स की बात करें या लॉजमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है अनक्रेडिटेड चेक्स की, अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड या अनक्लियर्ड। और अगर वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग चेक्स की बात करे या आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स की बात करे बाय चेक्स, कि ऐसे चेक्स जो कि आपने पे किए हैं अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है ना, फैसला नहीं हुआ, तो उसको वो अनप्रेजेंटेड चेक कह रहा है। तो आउटस्टैंडिंग का वर्ड जो है वो एक जेनेरिक वर्ड है, ठीक है, जो दोनों के लिए बोला जा सकता है, बिल्कुल इसको आप जनरल लेवल पे यूज़ करेंगे आउटस्टैंडिंग के वर्ड को। ओके, और कोई पूछने की बात बेटे? आदि चमला की। ओके सर, ये एक लास्ट लाइन है, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक 15,280, सर ये इसका क्या है? आप बी ए बी सी में से बताइए कौन सा कह रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अच्छा, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, ये बेटे वो ये कह रहा है
जैसे होता है ना बैलेंस जो हम लिखते हैं कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये उसने लिखा कैश एट बैंक का मतलब वो कह रहा है कि बैलेंस है, ये बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम कितना होगा। तो उसने 15,280 निकाला जो कि गलत है, 5,640 बनता है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस। ओके सर, समझ आ गई ये बात है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ चला गया? वेरी वेल, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ इम्तियाज इज रुपीज 10,200 डेबिट, ठीक है। अब देखो बेटे, पता नहीं शायद सकलैन ने सवाल किया था मुझे उस वक्त, आवाज़ पहचानने में आ रही थी कि उसने पूछा था ना बैलेंस एज पर कैश बुक क्या मतलब है, तो उसने अच्छा चल ठीक है, जिसने भी पूछा था, मेरा बच्चा ही है ना वो भी, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ इम्तियाज 10,000 डेबिट, ये बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च को, विच डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट उस डेट पे, ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज आइडेंटिफाइड, क्या अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 350 वॉज पेड बाय द बैंक डिड नॉट एग्री और डिड नॉट अपियर इन द कैश बुक, डिविडेंड रिसीव डायरेक्ट इन द बैंक वॉज 30, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर 350, इट वॉज इंक्लूडेड इन द कैश बुक एज 530, कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक 120 वॉज डिसऑनर्ड, वट इज द करेक्ट। आई गिव यू 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू आउट। अच्छा, इन 5 मिनट्स में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी माइक ऑन करके आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, जस्ट वो क्लासरूम इन्वायरमेंट जो मैं आपको देता होता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे अभी और इसी वक्त, प्लीज़ हरी अप। क्वेश्चन नंबर 4, ओके मुझे आप लोगों की आवाज़ें नहीं आ रही, शोर होना चाहिए क्लास में, हैं सर कर रहे हैं सॉल्व। अच्छा करो सॉल्व शाबाश। मैं भी साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग अपना काम करते चले जाएं, अगर कुछ देखना होगा तो बेशक आप साथ साथ बोर्ड पर भी देखते जाइएगा, लेकिन अप्रिशिएट अगर आप खुद से इसको करें तो। आप लोग ही करवाएंगे मुझे ये क्वेश्चन,
ठीक है, आप बताते जाएं। आप करवाएं ना मुझे फिर, साकिब है ना हैं? सी आंसर है, हमजा कहता है जी सी आंसर है। ओके, बैंक रिकंसलेशन बनती है एज ऑन 31 March 2019। अच्छा, सबसे पहले बात ये है, ये भी देखो ना, मैंने चूंकि इसका इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो मैंने पहले ही इसको जो है वो शुरू कर दिया। अब ये देखो, क्या हमें बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है? इसका आप देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और उस कैश बुक के बैलेंस से ही आपने आगे बात को लेकर चलना, ठीक है? कह रहा which did not agree with the balance as per bank statement. On investigation, following information was identified. A standing order of 350 was paid by the bank did not appear in the cash book. तो आपको मालूम ही है कि standing order payment जो है आपकी cash book में credit side पर appear होना चाहिए, payment है, आपने credit side पर उसको record नहीं किया हुआ। Okay, अच्छा, ये रुपीज़ लिखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली इन द बैंक। अब स्टूडेंट हो सकता है उनके लिए लफ्ज़ डिविडेंड नया लफ्ज़ हो और वो इसी लफ्ज़ में उलझे रहें। एग्जामिनेशन में कैसे बिहेव करना है? देखो बेटे, डिविडेंड रिसीव्ड, आपको कुछ कलेक्शन हुई है जो कि डायरेक्टली बैंक में जमा होगी, क्रेडिट ट्रांसफ़र है ना, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ किया है, लिहाजा आप इधर इंक्रीज़ कर दो अगर डिविडेंड का आपको मालूम नहीं है कोई माने। अदरवाइज़ डिविडेंड का मतलब होता है आपको प्रॉफिट शेयर मिला जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो डिविडेंड रिसीव आपका 30 यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर ऑफ 350, बैंक ने आपको 350 इंटरेस्ट दिया जो कि आपने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पर लिखना था, वॉज इंक्लूडेड इन द कैश बुक एज 530। आपने कितना ज़्यादा लिख दिया, 530 - 350, 180। आपने 180 ज़्यादा लिख दिया डेबिट साइड। अब यहाँ पे आप रिवर्स करेंगे, रिवर्सल ऑफ एक्सेस अमाउंट 180, आपने उसको एक्सेस अमाउंट डेबिटेड लिख दें बेशक, और अगर इतना टाइम नहीं है तो आप रिवर्सल भी सिर्फ लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। अ कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक 120 वाज डिसऑनर्ड। अब आपने 120 का चेक, जो मैं यहाँ से इसकी डबल एंट्री करके बात करूँगा, आपने जो 120 का चेक रिसीव किया था आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था और कस्टमर को यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर को आपने क्रेडिट किया था 120 से। अब 120 से आपने करके आप समझे कि मेरे बैंक बैलेंस में इंक्रीज़ हो गई है, आपने इस बैंक बैलेंस के अंदर वो डेबिट मौजूद है, बाद में पता चला तो जनाब वो तो वापस हो गया, डिसऑनर हो गया। अब आपको इसकी रिवर्स एंट्री, अब उस कस्टमर को आप दोबारा से अपना अकाउंट्स रिसीवेबल बनाने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है, और बैंक को जो आपने डेबिट किया हुआ था उसको अब आप क्रेडिट करेंगे। बेटे, ये डबल एंट्री का सोचना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बेनिफिट देगा नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर, वहाँ पर भी इसी किस्म की गलतियाँ हो रही होंगी और डबल एंट्री को बेस बना के हम उसकी करेक्शन कर रहे होंगे। एनीवेज, तो हमने बैंक को अब क्रेडिट करना है चेक डिसऑनर्ड की वजह से। वन ट्वेंटी से, ठीक है, और याद रखिएगा कि जब हम कैश बुक एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, अगर कोई अनप्रेजेंटेड अनकलेक्टेड चेक होता तो वो यहाँ पर नहीं आना था,
अनप्रेजेंटेड एंड अनकलेक्टेड चेक्स अगर कोई होते तो उसको हमने यहाँ पे ट्रीट करना था। ओके, वेरी वेल। अब यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड का पहले टोटल कीजिए 10,200 and 30, 10,000 170 sir. बेटा ये डेबिट साइड का टोटल ना? No, okay, okay sir, yeah. ठीक है 10,000 okay बेटा। एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो हमारे पास आएगा वो क्या आया 10,000 9580 सर, ये 9580 बनता नहीं ना, ये अगर इसमें से 30 डिविडेंड वाला लेस करें तो फिर आंसर मैच करता है, वरना आंसर मैच नहीं करता। डिविडेंड सेव डायरेक्टली इन द बैंक वाज ये क्या बात, हमें आंसर थोड़ी मैच करना, क्वेश्चन क्या आ रहा है या पता नहीं क्या चक्कर, हमें आंसर तो नहीं ना मैच करना, क्या हो रहा है। देखो बेटे डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक वॉज ये, अब यहाँ पर उसने जो है या तो ये कह दे कि हैज़ बीन, या तो अगर आपने आंसर टैली करना है ना, अब मुझे पता नहीं आंसर पीछे जो है सी है ना आंसर, यस सर सी है। हाँ sir. तो एक मिनट ठहरो ना, डिविडेंड सेव डायरेक्टली इन द बैंक वॉज 30, अगर वो इसके बारे में ये कह दे हैज़ बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, इन द कैश बुक, तब आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर वो ये बात कह दे। अब आप बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप लोगों के? कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, आंसर यही 9580 हाँ तो बस ठीक है, लेकिन अब वो नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट आप अपने कॉन्सेप्ट को खल्त मल्त नहीं करेंगे प्लीज, आपका कॉन्सेप्ट शुड बी 100% क्लियर। इस तरह की कुछ छोटी मोटी ऊंच नीच जो है वो हो सकती है। अब देखिए वो कह रहा है डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली इन द बैंक वॉज 30, अब इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि वो डायरेक्टली बैंक में जमा हो गए, हमें उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी तो हम उसको इन्फॉर्मेशन मिलने पर डेबिट करेंगे। लेकिन अगर वो ये कहता है अच्छा सर अगर हम उसको डेबिट ना भी करें ना 30, फिर भी सर वो इसको लेस करना पड़ रहा है, वो फिर उसके मुताबिक जो बन रही है ना बात हैज बीन रिकॉर्डेड इन द ऑपोजिट साइड, वो ये कहना चाह रहा हैज बीन रिकॉर्डेड, वो जो जो उसने ट्रीटमेंट किया है ना, अगर आप इसको उसके ट्रीटमेंट के मुताबिक लें तो डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक has been mistaken debited, आप इसको ये लेंगे has been wrongly posted in the opposite side, ठीक है ओपोजिट साइड में उसको जो है ना वो पोस्ट कर दिया, तो फिर आप उसको जो है वो यहां पर यानी कि उसने नहीं किया, सर ऐसे तो सर अगर ओपोजिट फिर तो डबल फिर डबल जाएगा डेबिट 60 करेंगे फिर डबल जाएगा फिर तो 60 करना पड़ेगा हाँ फिर डबल हाँ सही कह रहे हो ये भी नहीं 9610 आ रहा है इसका जो पीछे सलूशन आंसर था उसमें मैंने 30 डेबिट किया हुआ है बस आंसर गलत है सर बाकी सलूशन हमारा ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि हम यहाँ पे आंसर जो है 9580 कर दें बजाय दूसरी तीसरी कहानियों में पढ़ने के हाँ हम इसको ये कर लेते हैं सलूशन में उन्होंने किया हुआ 30 डेबिट अच्छा बस फिर आंसर फिर हमें ज़्यादा कहानी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो बस ठीक हो गई बात ठीक है फिर यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर देंगे ओके सो हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं हिला रहे वेरी वेल तो वंडरफुल माशाल्लाह आप लोगों को मुझे खुशी यह है कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अगर आपने सोल्यूशन देख कर ये काम नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड देन मुझे खुशी हुई है इस बात की एनीवेज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जी बेटे सर अगर ऐड करते तो फिर कैसे आंसर आता है ऐड करते क्या मतलब 30 को ऐड कर रहे हैं तो फिर आंसर ये तो नहीं आ रहा ना बेटे 9580 आता है ना 9520 आंसर नहीं है वो मिस प्रिंट हुआ हुआ है बेटे ओके ठीक है हाँ वो मिस प्रिंट हुआ हुआ है आप मैं इसका सॉल्यूशन जरा देख के आपको थोड़ा सा मजीद भी गाइड कर देता हूँ जो उसने सॉल्यूशन में जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में हुआ हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देख लें नीचे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आ जाते हैं ये देखो ना ये उसने 30 जो है वो डेबिट साइड पर ऐड करने का मतलब 10,200 में 30 ऐड करने का मतलब क्या है उसने डेबिट साइड पर ट्रीट किया है ठीक है और यहाँ पर उसने गलती से 9580 लिखना था उसने 9520 लिख दिया ऐसा ही हुआ है ना यस सर हाँ तो ये उसने गलत काम किया है इधर 958 आप उसकी भी इन सारी प्लस माइनस को करें तो 9580 आ रहा होगा यही कहना चाह रहे हैं बच्चे मेरे ख्याल है जी ठीक है तो आगे चलते हैं सर पेपर में भी ऐसा एरर आ सकता है बेटे उसका क्वेश्चन मिल जाता होता है वो घबराए नहीं उसमें बिल्कुल नहीं घबराना ठीक है आपने अपने कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करने आप माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट्स पे हैं तो पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं घबराइए कि जी पेपर में क्या होगा जो पेपर में होगा वो सबके साथ होगा ठीक है तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पे डटे रहना अच्छा अ बिजनेस आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन 28 February 2019 An investigation it was revealed that bank debits account of business for bank charges 30 okay and standing order 150 बैंक ने डेबिट किया बैंक एरोनियसली डेबिट्स बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस फॉर अ चेक ऑफ रुपीज 40 बिजनेस हैज क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट 150 व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द कैश बुक अब यहाँ पर भी हमें वो कैश बुक बनाने की बात कर रहा है लें जी अब हम ये काम कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट के साथ एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना आपने बेटा ये हमारा बन रहा है 28 February 2019 को प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना प्लस माइनस बहुत बड़ा डिसास्टर है अच्छा जी कह रहा उसने गलतियां क्या की हैं बैंक डेबिट्स अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर बैंक चार्जेस 350 ये बैंक ने डेबिट किया याद रखना ये बैंक ने मिस्टेक्स की हुई हैं बैंक एरोनियसली डेबिट्स बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर अ चेक ऑफ ये बैंक की गलती है ये बिजनेस की गलती है बिजनेस हैज़ क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट ये बिजनेस ने गलती की है फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट 150 अब देखो बताओ जो बिजनेस करता है इंटरेस्ट इनकम को उसकी एंट्री क्या करता है बैंक अकाउंट को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट उसको चाहिए था 150 से ये काम करता उसने गलती क्या की उसने बैंक अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया उसने हैज़ क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट तो आप डबल अमाउंट से आप बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि उसने जो गलत किया चले मैं उसकी गलती भी कर देता हूँ ना यहाँ पे उसने गलत किया इंटरेस्ट इनकम को डेबिट करके उसने बैंक को क्रेडिट कर दिया 150 से ये काम किया अब इसकी करेक्शन आपकी क्या होगी कि आपको डबल अमाउंट से बैंक को डेबिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा 300 से और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा
300 से। तो हम तो बैंक के बारे में सिर्फ देख रहे हैं, हम तो इंटरेस्ट इनकम की बात ही नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे बैंक को डेबिट करेंगे बिकॉज ऑफ एरर इंटरेस्ट टाइम्स टू 300 से हम बैंक को करेंगे डेबिट, ठीक है, फॉर क्वार्टरली। ये व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द कैश बुक ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बैंक डेबिट्स अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर बैंक चार्जेस 30 एंड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये तो बैंक ने काम किया हुआ है और दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे 130 बेटे, बैंक ने किया हुआ ना ये बैंक डेबिट्स अकाउंट ऑफ बिजनेस, ये बैंक ने हरकत की हुई है। वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन कैश बुक ऑफ बिजनेस। हम सिर्फ कैश बुक से रिलेटेड कर रहे हैं ना, कैश बुक से रिलेटेड, तो हम कैश बुक को डेबिट करेंगे 300 से। मतलब अगर मैं इसमें जाऊं तो मुझे अभी तक ये बात समझ आई है कि ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है, या ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगी। अब दूसरी की तरफ मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहा है कि हम अपनी कैश बुक को क्रेडिट करेंगे। वो कह रहा है बैंक एरोनियसली डेबिट्स बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर अ चेक। अब देखो ना, ये भी जो है ये बैंक ने गलती से किया हुआ है, हमने तो नहीं किया हुआ। बताओ आपको क्या नज़र आ रहा है? हमें तो सिर्फ, अगर मैं इस रिक्वायरमेंट को पढूं तो ये रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि हम अपनी कैश बुक में क्या इम्पैक्ट लेंगे। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश बुक। जो बैंक की मिस्टेक्स हैं वो हमारी कैश बुक में तो नहीं आती, वो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैं एक रीट्रेट कर रहा हूँ बात, उसको जहन में रखिए, कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तीन रीजंस जो हैं वो एडजस्टमेंट के तौर पर लिखी जाती हैं। एक अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक अनकलेक्टेड चेक्स और दूसरी बैंक मिस्टेक्स। क्योंकि जो बैंक ने मिस्टेक्स की हैं वो हमने तो मिस्टेक्स नहीं करनी ना, तो जो बैंक की मिस्टेक्स हैं वो हो सकती हैं रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक और रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। ये है बेटे टोटल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो भी हमारी मिस्टेक्स होंगी, जो हमारे बिजनेस अकाउंटेंट ने की होंगी, वो कैश बुक में जाएंगी। तो यहाँ तक मुझे जो क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, ये भी बैंक की मिस्टेक है। बैंक डेबिट्स अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर बैंक चार्जेस, हालांकि बैंक को चाहिए था कि वो हमें क्रेडिट करता, तो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक का मतलब है कि ये बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा और स्टैंडिंग ऑर्डर भी जो है उसने हमें जो है डेबिट कर दिया स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो है सर उसने डेबिट इस वजह से किया है क्योंकि उसने बैंक चार्जेस लिए हैं। हाँ, ठीक है, वो सही किया, ठीक है मैं इसलिए रुक गया था। बैंक ने सही डेबिट किया, हमें बैंक चार्जेस की वजह से, बैंक चार्जेस उसकी इनकम है, वो हमें डेबिट करेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर से भी डेबिट करेगा, ये उसने ठीक किया। बैंक एरोनियसली डेबिट्स अकाउंट्स, जी बेटे, बैंक एरोनियसली डेबिट्स बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर अ चेक ऑफ रुपीस। ये अब बैंक ने जो है गलती से हमें डेबिट किया, अब वो 80 से क्रेडिट करेगा, ये भी बैंक की मिस्टेक है। अब यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि
ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ओके, ये बात नज़र आ रही है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ पर आप ये लिख लें, ओके, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वन को हम इधर अकाउंट फॉर करेंगे, ये बात सही है, ये बैंक की मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये हमने अकाउंट फॉर नॉट येट रिकॉर्डेड। नहीं बन बन यही रहा है ना ये, क्योंकि ऊपर उसने कहा ना ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट बैंक डेबिट्स अकाउंट, ये उसने हमें डेबिट कर दिया तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया इन कैश बुक, अब ये बात बन जाती है अगर ये बात लिख देता सही डेबिट किया तो फिर हमारे कैश बुक में जो क्रेडिट चला जाएगा। हाँ जी, अब हम इधर करेंगे ना बैंक चार्जेस को, बैंक चार्जेस को हम 30 से, और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट को, तो इसका मतलब है कि हमारे डेबिट साइड पर 300 का इम्पैक्ट आएगा और हमारी क्रेडिट साइड पर 180 का इम्पैक्ट आएगा। अब ये बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट में है वो बैंक की मिस्टेक नहीं है, बल्कि बैंक ने करेक्टली ये ट्रीटमेंट किया हुआ, जो कि हम अब अपनी कैश बुक में एडजस्ट करेंगे। और तीसरे में बिजनेस हैज क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट, वो हमने करेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है वो रिफ्लेक्शन आ गई। और ये जो मैंने आपको नीचे बताई है 100% इसको आप सीख लें कि बैंक रिकंसिलेशन में सिर्फ और सिर्फ तीन रीजंस ही लिखी जाती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, बैंक मिस्टेक्स। यहाँ पर नंबर वन में बैंक मिस्टेक नहीं थी, पहले मैं पढ़ने में समझ रहा था शायद वो बैंक मिस्टेक हुई हुई है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके सर जी। ओके गुड सर जी। बेटे ये आप इंटरेस्ट को डबल क्यों किया था 150 का 300? बता देता हूँ बेटे, देखो बेटे मैंने इसमें ये अकाउंटिंग आपको बताई कि बैंक हैज़ क्रेडिटेड, बिजनेस हैज़ क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम। उसकी करेक्ट एंट्री जो है वो ये थी कि आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था 150 से, बैंक को करना चाहिए था डेबिट। आपने जो रॉन्ग की वो रॉन्ग आपने ये की कि आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया 150 से। अब एक मरतबा बैंक को आप डेबिट करेंगी 150 से तो ये क्रेडिट जो होगा ख़त्म होगा, और दूसरी मरतबा आप बैंक को डेबिट करेंगी 150 से तो ये डेबिट मिलेगा, इसलिए डबल अमाउंट से बैंक को डेबिट किया जाएगा। जी बेटा Is this clear? अमाउंट तो फिक्स्ड होती है ना, मतलब 150 दिए तो 150 रहेंगे, तो इस तरह ये तो हमारी एंट्री में से गलती थी ना। तो बेटे मैंने एंट्री में ही उसको ठीक किया ना, मैं भी तो अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ ना, जर्नल एंट्री में उसको ठीक कर रहा हूँ ना। मुझे हकीकत में तो 150 ही इनकम मिली है, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग गलत हुई थी तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को दुरुस्त कर रहा हूँ। ये मेरी बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत रिकॉर्ड हुई हुई थी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मेरी रिकॉर्डिंग है उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो रहा है यहाँ पे, ये जो मेरे से एरर हो गया था अपनी बुक कीपिंग में उसको करेक्ट कर रहा हूँ। फॉलोड? यस सर, थैंक यू। ओके वेलकम बेटा। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। इन दोनों क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर लेते हैं एक ही मरतबा, हमें इकट्ठे नज़र आ गए।
वेरी वेल, कहता है कि बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इज 35,000, ओके, वाइल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 32,500, डेबिट क्रेडिट उसने साथ लिख दिया, डिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड एज अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स ऑफ 2,500 नॉट इंक्लूडेड इन बैंक स्टेटमेंट। अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स अब हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। What is the amount of bank balance to be reported in the statement of financial position? बड़ी सादा बात है, आप थोड़ा सा brainstorm करें, मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं उतनी देर यहाँ पर कुछ लिखूँगा लेकिन आपकी brainstorming चलनी चाहिए, करते रहो अपने आप को ज़रा बिजी थोड़ा सा इसके ऊपर। ये बहुत सादा question है, और मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना है या डिस्कस करना है या रीकन्फर्म करना है। अच्छा, अब एक बात मेरी बड़े गौर से सुन लीजिए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो बैंक स्टेटमेंट कह रही है उसको अहमियत मिलना चाहिए क्योंकि बैंक स्टेटमेंट सच कह रही है। आप मुझे बताइए जो आप कह रहे हैं क्या वो बुक कीपिंग के हवाले से सच नहीं है? अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक मामला है, डिफरेंस इज़ एक्सप्लेन्ड एज अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स। अब ये अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स जो हैं ये कैश बुक में एडजस्टमेंट की आइटम है या बैंक रिकंसिलेशन में एडजस्टमेंट की आइटम है? अच्छा, बैंक रिकंसिलेशन, वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या एडजस्टेड कैश बुक में इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट है जो कि जाएगा? नहीं सर। तो आंखें बंद करके आप ये कह दो कि जो कैश बुक में है अमाउंट वही हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में जाएगी। आंखें बंद करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। रीज़न उसकी क्या है? क्योंकि कैश बुक, हाँ कैश बुक इज़ द बुक जो कि हमारी डबल एंट्री का हिसाब। ये मेरी बात बड़े गौर से सुन लेना है, बड़ी पते की बात है। कैश बुक वो किताब है जो हमारी डबल एंट्री का हिस्सा है। कैश बुक में जो डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाता है वो लेजर में दूसरी जगह पर भी उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट आ जाता है, ठीक है? उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट जो है वो किसी दूसरे अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट, कैश बुक में डेबिट या क्रेडिट जो हो रहा है वो किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो रहा है। और अल्टीमेटली हम अपनी बुक्स से ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बात बड़ी पते की है जो मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको इसी कॉन्सेप्ट के साथ समझते चले जाइए। हम जो ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन में तो हम जस्ट अपने दिल की तसल्ली की खातिर रिकंसिलिएशंस कर रहे होते हैं कि अगर ये कर लो तो क्या हम अपनी कैश बुक के बराबर आ जाएंगे। आओ दिल की तसल्ली भी कर लेते हैं। 2,500 अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को हम फर्दर जब इसमें क्रेडिट करेंगे तो हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा क्रेडिट 35,000। जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट 35,000 है वो एज पर कैश बुक डेबिट 35,000 है। क्या हमारे दिल को तसल्ली हो गई इस बात पे? यस हो गई। तो इसका मतलब है कि जो बैंक रिकंसिलिएशन हमने बनाई है वो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बनाई है। हकीकत में जो हमारी कैश बुक में बैलेंस है वो ही हमारा बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस में नज़र आता है, और वही हमारा बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस से उठ के बैलेंस शीट में जाता है। ये वो पॉइंट है जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। ए आंसर, इफ इट इज़ क्लियर।
तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट के रेफरेंस में कोई पॉइंट मेरा बच्चा पूछना चाहे तो आई एम अवेलेबल, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। अ बिजनेस इज इन प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग इट्स कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर एंट्री इन कैश बुक। अब देखो वो कह रहा है कि आपने सिर्फ बताना है एडजस्टेड कैश बुक में क्या कुछ जाएगा। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस एक्सपेंस के तौर पर डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ए ये तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाय द बैंक आफ्टर द डेट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं, ठीक है। अनकलेक्टेड चेक्स के बारे में हमने क्या देखा कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन में जाते हैं। चेक ऑफ अनदर अकाउंट एरोनियसली, ये बैंक एरर है, बैंक एरर भी हमने देखा कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जाएगा। चेक्स प्रेजेंटेड बाय सप्लायर आफ्टर द बैंक स्टेटमेंट, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। तो देखो बेटे, मैंने अभी ऊपर आपको जो बात समझाई थी वो क्या थी कि तीन रीजंस होती हैं, 1, 2, 3, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स एंड बैंक मिस्टेक्स, जो बैंक रिकंसिलेशन में जाती हैं उनका आपकी एडजस्टेड कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। वही वाला सवाल यहाँ पर उसने आपसे पूछ लिया और ए इसका आंसर है, करेक्ट बेटे, बात समझ गए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी हमजा सर, पांच पेपर के अंदर एक वो है लाइन प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी जी इस लाइन का मतलब बता दें जरा। मैं समझा देता हूँ बेटे हमजा, देखो प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझना। सपोजली रुपीज 20,000, देखो बेटे आप बिजनेस अकाउंटेंट हैं, आपके पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा हुआ था, सरप्लस फंड पड़ा हुआ था, आप समझ लीजिए कि कोई 1,00,000 रुपया, ठीक है, आपने वो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इन द सर्टिफिकेट्स, वो सो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो क्या हैं, आपके कुछ भी शेयर सर्टिफिकेट हो गए या बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गए या आपने कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी 1,00,000 रुपया, और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न मिलना था वो 20% मिलना था, आपने बैंक को कह दिया कि पैसे मेरे जो हैं वो यहाँ से कलेक्ट कर लेना, क्रेडिट ट्रांसफ़र आ जाएगी, क्रेडिट ट्रांसफ़र बैंक में, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र आ जाएगी सर्टिफिकेट पे जब भी वो प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब ज़रा रियल लाइफ में देखो, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 1,00,000 रुपया, उस 1,00,000 रुपये पर, 100,000 पर आपको 20% 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो जो प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए और प्रॉफिट जो आपकी प्रॉफिट इनकम के तौर पर क्रेडिट होना चाहिए, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटे। लिहाजा 20,000 से आपका बैंक अकाउंट डेबिट और 20,000 से प्रॉफिट इनकम
आपका प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट एज एन इनकम आपका क्रेडिट होगा। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री है। उसके बाद अब आप देख लीजिए कि वो गलत हुआ, सही हुआ, डबल करना है, सिंगल करना है, इम्पैक्ट जो भी देना है, वो जो उसने क्वेश्चन की नोयत होगी वो होगी। बहरहाल आपने जो मुझसे पूछा प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर हमजा बेटा? ओके सर, ओके सर, थैंक यू, वेलकम बेटा जी। सर ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था जी बेटे, इसके अंदर इन्होंने कैश बुक जो दी हुई है वो जून 2010 की दी हुई है और बैंक स्टेटमेंट दी हुई है जुलाई 2010 की। वाओ जबरदस्त क्वेश्चन आया ये, बोला मुझे सवाल बता दो, क्योंकि अब आप लोग 2010 है, अब आप लोग इस स्टेज पर पहुंच गए हो कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ये क्वेश्चन मेरे पास इधर इंपोर्ट हो सकता है किसी तरह से? सर अभी तो इसमें है पास पेपर हार्ड फॉर्म है मेरे पास, आप उसकी तस्वीर खींच कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी सर एक मिनट करो, मीनवाइल मैं आपको उसकी ज़रा क्लियर पिक्चर खींचना बेटे, थोड़ा सा उसको सीधा रख के। सर इतनी देर में शुरू के दो क्वेश्चन ये वॉइस करवा दें, मेरा इंटरनेट इशू आ रहा था तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया। शुरू के दो क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं आपके लिए बेटे, बस ऐसे हल्का का कॉन्सेप्ट दे दें, समझ तो आ गई। चलो ठीक है बेटे, बिल्कुल सर, इसको डोरेमोन का सॉन्ग सुनाएं सर, बस इसको हल्का सुनाएगा क्वेश्चन को सर, सुनते डोरेमोन का सॉन्ग सुनाए। किधर गया यार हमारा, एक तो ये कंप्यूटर ऐसे भागता है ना, जब इसको भगा रहा होता हूँ भागता नहीं है, अदरवाइज वो ऐसे करके हाथ से निकल जाती है डोर इसके। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, पहला और दूसरा बेटे फैसल? जहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया सर आज का वहाँ से। ये तो हम पीछे चले गए जो वन बीच में कहता है फैसल के, ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट उसने बनाई थी जो कि गलत थी, हमने उसको दुरुस्त कर लिया। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस था ये, मैंने जो ब्लैक से किया हुआ बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस, उसमें आउटस्टैंडिंग चेक डेबिट होने चाहिए थे, अनक्रेडिटेड चेक क्रेडिट होने चाहिए थे, हमने उसकी दुरुस्त जो बैलेंस है मालूम कर लिया। पहले क्वेश्चन में तो ये था, दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन वो ज़ुबानी वाला था, हमने उसको उधर से देख कर लिया था, बुक से देख कर। तीसरा क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता था पहले क्वेश्चन से, कि जो उसने रिकंसिलेशन बनाई थी ट्रेनी स्टूडेंट ने, वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट था, उसको डेबिट लेना चाहिए था, हमने डेबिट क्रेडिट से चूंकि काबू किया हुआ है इस बात को, हमने डेबिट किया। आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहते हैं, उसको हमने डेबिट किया, अनकलेक्टेड चेक्स को हमने क्रेडिट किया, और हमारे पास ये आंसर आ गया 5640 का। तो ये आंसर जो है हमने देख लिया कि डी आंसर था हमारा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा हो तो कैश बुक का वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इस स्टेज पर मैंने ये बताया था कि जी आउटस्टैंडिंग चेक किसको कहते हैं, मैंने ये बताया था कि आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं और आउटस्टैंडिंग चेक्स पेमेंट्स भी हो सकती हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या लॉजमेंट्स होती हैं वो अनकलेक्टेड चेक्स को कहते हैं, जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहते हैं। ये थे बेटे पहले तीन क्वेश्चंस, उसके बाद आपने मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स ज्वाइन कर लिया होगा। मैं फैसल फोर्थ के सर एंड पे किया था, थोड़ा सा ये शुरू का कॉन्सेप्ट बता दें जो पहली पहली एंट्री की है ना क्रेडिट साइड, ये मैंने अब नहीं बताना, ये अब आपने सकलैन से पूछना है, सकलैन को जरा थोड़ा सा वर्चुअल चाय पिलाएगा तो सकलैन फिर आपको बताएगा। ठीक है सकलैन पुत्र, कहता है कि असद हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा, द अमाउंट्स अपेयरिंग इन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई रिस्पेक्टिवली। उसने कैश बुक दी हुई है आपको जून 2010 की और बैंक स्टेटमेंट दी हुई है जुलाई 20 नेक्स्ट वाली दी हुई है। अब होगा क्या, अब ये देखेंगे कि आपके जून में जो चेक्स इशू हुए हैं अगर वो जुलाई में नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जून की बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक हैं। इसकी रिक्वायरमेंट जब पढ़ेंगे आप तो वो कह रहा है कि एडजस्टेड कैश बुक आपने बनानी है जून की और बैंक रिकंसिलेशन भी बनानी है आपने जून 2010 की। ठीक है,
अब ये बात ध्यान में रहे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम जो बनाने जा रहे हैं वो जून 2010 की बनाने जा रहे हैं, BRS 30th June 2010 बनाने जा रहे हैं, और उसमें हम बैलेंस कौन सा उठाएंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो 30th June 2010 को, वो कौन सा बैलेंस होगा, वो ये 3810 होगा जो 1st July को है बेटे, वही 30th June का था ना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो ये मुझे बताइए। ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस अपीयर हो रहा है 3810, पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो बात इसमें समझने की है वो ये है कि आपने जो चेक रिसीव किए हैं वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन कुछ अगर चेक्स आपको बैंक स्टेटमेंट में नेक्स्ट मंथ में डेबिट नज़र, सॉरी क्रेडिट होने चाहिए, हम सॉरी, जो चेक रिसीव किए हैं आपके कैश बुक में डेबिट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। जो चेक आपने रिसीव किया जैसे हबीबा का 30th को, मैं रिवर्स ऑर्डर में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो लेट चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा वही लॉजमेंट्स आउटस्टैंडिंग होंगी ना। तो ये हबीबा का चेक आप देखिए जो आपने 30th June को बैंक में डिपॉजिट करवाया, जाके 3 July को क्रेडिट हुआ, तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स में, क्योंकि 30 June तक तो ये क्रेडिट नहीं हुआ हुआ था ना, देखो 30 June तक क्रेडिट नहीं हुआ हुआ था, ये 30 June के बाद क्रेडिट हो रहा है, तो अनक्रेडिटेड चेक्स में इसको लिखेंगे क्रेडिट 1800, ठीक है। उसके बाद आप देखें अली का 3000, अगर आपको आगे कहीं ये 3000 जो है ये क्या, ये मिस प्रिंटिंग है बेटे, ये कहीं अली तो नहीं है 2 तारीख को, बताना जरा हमजा, ये यहां पर ये क्या लिखा हुआ है बुक में, तो ये मिस प्रिंटिंग है, हाँ बार मुझे अब अगर अली लिखा होता तो इसका मतलब है अली से जो चेक मैंने रिसीव किया था वो मुझे नज़र आ रहा है 2 तारीख को, लेकिन ये अली नहीं लग रहा, इसमें कुछ ए है, बच्चा जिसके पास मिस प्रिंटिंग ना हो वो देखकर तो इसको करेक्ट कर दे, तो इसके भी चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये अनक्रेडिटेड चेक होगा जो कि 3000 का आपने डिपॉजिट करवा दें। इसके अलावा आपको हाजी बिलाल का नज़र आ रहा है 13000 जो आपने 27 को जमा कराया, ये हाजी बिलाल 9 July को जाके कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं वैसे बाय द वे 3000 को भी कंसिडर कर रहा हूँ और हाजी बिलाल वाले 13000 हाजी बिलाल, ये था मैंने नीचे एरो कर दिया, ये था हाजी बिलाल, ठीक है, 13000 हाजी बिलाल वाला भी आ जाएगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट समझ आया बेटे? तो ये मेरे अनक्रेडिटेड चेक्स हो गए 4200, अगर उधर नजर नहीं आ रहा, एक नीचे फारूक नागरौड़, देखो भाई कितनी देर बाद जाके वो हुआ, आपने 25 तारीख को चेक जमा करवाया था जो कि जाकर फारूक नागरा आपको 27 एक महीने के बाद जाके कलेक्ट हुआ, ठीक है, 4200 ये भी अनक्रेडिटेड चेक है। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है बेटे इसका बैंक रिकंसाइल करने का। अब ये एक ही एंटरप्राइज 5800 ये इधर नहीं है, इसका मतलब है ये उन्हीं दिनों का चेक है, और अदील 180 का अदील भी उधर से डेबिट नहीं है। उसके बाद अब बात आ जाएगी अनप्रेजेंटेड चेक्स की। जी बेटे कोई माइक ऑन हुआ था, कोई पूछना चाह रहा था बच्चा? सर क्लास शुरू हो गई अभी। ओह यस, अच्छा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है ना, अब आप इस कॉन्सेप्ट पे बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
आप ट्राई कीजिएगा अपने तौर पर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब यूँ समझ लो कि ये एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन जो है ना, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें इस तरह की चीज़ें ही मिला करती हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।